This is a sensational revelation in the 2002 Gujarat riots case, where activist Teesta Satalwar acted to destabilize the Modi government. Cops have told India Today that Satalwar was part of a larger conspiracy. Late Congress leader and famous leader from Gujarat, Ahmed Patel, aided Teesta Satalwar. She was accused of forgery and has been arrested. Gopi Manyar is getting us more details on that story from Ahmedabad. The Congress Gopi was in opposition at that point in time when the riot took place. What was the specific role of late Ahmed Patel? What is it that you're really picking up from your sources within the police? देखिए जिस तरीके से कल जो एफिडेविट की गई है और ये एफिडेविट एसआईटी के जरिए गुजरात की सेशंस कोर्ट में की गई है और अहमदाबाद की सेशंस कोर्ट में माफ कीजिएगा की गई है, इसमें ये साफ तौर पर लिखा गया है कि एसआईटी के पास कई ऐसे सबूत आए हैं जिसके अंदर ये साबित हो रहा है कि अहमद पटेल के जरिए जब दंगे हुए थे तब तीसरा सितलवार को यहाँ पे अलग अलग एक बार 5 लाख रुपए और एक बार 25 लाख रुपए कैश में दिए गए थे, यानी पैसे के जरिए जो उस वक्त की मोदी सरकार यहाँ पर थी उसको गिराने की कोशिश की गई थी, राजनीतिक रोटियां फेंकने का प्रयास किया गया था। यहाँ तक कि हरेन पांड्या का जब मर्डर हुआ और उनके पिताजी विठल पांड्या ने जब इस हरेन पांड्या की मर्डर के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को दोषी बताया था तो उस वक्त ही तीसरा के जरिए हरेन पांड्या के पिता विठल पांड्या का संपर्क किया गया था। साथ ही कुतुबुद्दीन अंसारी का भी जिक्र किया गया है। कुतुबुद्दीन अंसारी वो पोस्टर बॉय है गुजरात दंगों का, जिसकी तस्वीर काफी वायरल हुई थी और लोग उनकी उसी तस्वीर के आधार पर बहुत सारा जो एनजीओ ने फंड इकट्ठा किया था। तीसरा एसआईटी ने ये कहा है कि तीसरा के जरिए इनका संपर्क किया गया और लगातार उनको ये कहा गया कि सिटीजन और पीस के जरिए वो अपना केस लड़े, लेकिन कहीं ना कहीं सीधी के तौर पर एसआईटी ने जो कल कोर्ट के अंदर एफिडेविट फाइल किया है, एफिडेविट में ये लिखा है कि तीसरा को जमानत नहीं देनी चाहिए क्योंकि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, वो विटनेसेस को इसमें कहीं ना कहीं ब्लेम कर सकती है। साथ ही तीसरा पे कई ऐसे आरोप लगाए और तीसरा राज्यसभा की सदस्य बनना चाहती है, इस तरीके की भी एफिडेविट के अंदर एसआईटी के जरिए आरोप लगाए गए हैं। साथ ही जो पैसे की लेन देन है, करीब करोड़ों रुपए का जो ट्रांजेक्शन हुआ है जिसका कोई हिसाब नहीं है तीसरा के पास, इसका भी जिक्र एफिडेविट के अंदर एसआईटी के जरिए किया गया है। स्नेहा गोपी, मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि ये कई सारे सवाल उठाते हैं कि उस समय अहमद पटेल जो कि पॉलिटिकल एडवाइजर रहे हैं सोनिया गांधी के, उस समय भी थे, वो इस तरीके से डिस्टेबलाइज करना चाहते थे गवर्नमेंट बाय हुक और बाय क्रूक। एसआईटी ने ये भी कहा है इस पूरे मामले में। इस पर सवाल ये उठता है कि कांग्रेस ने इस तरीके से डिस्टेबलाइज करना चाहा और टेंशन को और स्टोक करना चाहा था गुजरात में 2002 के दंगों में। बिल्कुल, देखिए ये आरोप जो है वो एसआईटी के जरिए एफिडेविट के थ्रू लगाए गए और एफिडेविट में ये कहा गया है कि अहमद पटेल के खिलाफ जो पैसों का ट्रांजेक्शन हुआ है उसके एसआईटी के पास सबूत भी है, विटनेसेस भी है, यानी कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो सरकार को गिराना चाहती थी, इस तरीके के जो आरोप है वो लगाए गए हैं। साथ ही और सबसे महत्वपूर्ण अगर कहा जाए स्नेहा, तो इस पूरे मामले के अंदर लगातार जिस तरीके से कांग्रेस की जो भूमिका रही थी, कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री पर जो सवाल खड़े कर रहे थे, तो अब ये बात सामने आई है क्योंकि एसआईटी की जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसमें खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी हाजिर हुए थे, करीब 8 घंटे के उनके साथ पूछताछ हुई थी। जी बिल्कुल, और उसके बाद एसआईटी ने क्लीन स्वीप दी थी और अब अहमद पटेल पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि कांग्रेस को अब इस पूरे मामले में कांग्रेस बने रही हमारे साथ।